बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का आज जन्मदिन है। अगर आज राजेश खन्ना हमारे बीच होते तो वो 78 साल के हो चुके होते। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत अभिनेता कहलाते थे राजेश खन्ना, जो अपनी दिलकश मुस्कान से लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जन्मदिन को अपने जन्मदिन के साथ सेलिब्रेट करती है उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना। जी हाँ, 29 दिसंबर को ही ट्विंकल खन्ना का भी जन्मदिन होता है। राजेश खन्ना अपना जन्मदिन बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ शेयर किया करते थे। आज ट्विंकल खन्ना 47 साल की हो चुकी है। राजेश खन्ना अपनी बेटियों से बेहद प्यार किया करते थे। डिंपल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा खुशहाल नहीं रही थी। दोनों शादी के 11 साल बाद ही एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। लेकिन अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना पर काका बाबू जान छिड़कते थे, और यही वजह थी कि जीवन के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना अपनी विशाल संपत्ति बेटियों के नाम कर गए थे। राजेश खन्ना करीब 1000 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने अपनी वसीयत पहले ही तैयार करवा ली थी। कहते हैं कि दुनिया को अलविदा कहने से पहले राजेश खन्ना घर वालों के सामने अपनी वसीयत पढ़वाना चाहते थे। राजेश खन्ना की वसीयत को दामाद अक्षय कुमार, पत्नी डिंपल कपाड़िया और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में पढ़ा गया था। इस वसीयत के मुताबिक राजेश खन्ना ने अपनी तमाम जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के नाम कर दिया था। राजेश खन्ना की 1000 करोड़ की संपत्ति में उनका मशहूर बंगला, आशीर्वाद बैंक खाते और अन्य चल अचल संपत्ति शामिल थी। खास बात यह है कि राजेश खन्ना ने अपनी संपत्ति से पत्नी डिंपल कपाड़िया और लिव इन पार्टनर अनीता अडवाणी को पूरी तरह से बेदखल कर दिया था। अपनी जायदाद का छोटा सा भी हिस्सा राजेश खन्ना ने डिंपल या फिर 10 साल से उनके साथ रह रही महिला अनीता अडवाणी के नाम नहीं किया था। हालांकि अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना की संपत्ति में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए कानूनी जंग भी लड़ी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। वही राजेश खन्ना का मशहूर बंगला आशीर्वाद भी उनकी बेटियों को आनन फानन में बेहद कम कीमत में बेचना पड़ा था। ट्विंकल और रिंकी अपने पिता के इस बंगले को उनके एक म्यूजियम में तब्दील करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस फैसले को बदलकर बंगले को 95 करोड़ की कीमत में बेच दिया। काका बाबू के उस आइकॉनिक बंगले को अलकार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के चेयरमैन और MD शक्ति शेट्टी ने खरीदा था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।